स्थानीय यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं सर। आज जो वाकया ट्रांसपोर्ट नगर में पेश आया है, यहाँ पर काफ़ी हब रहता है, दूर दराज से लोग हर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तमाम ज़िलों से, कश्मीर से गाड़ियाँ यहाँ पर आती है। कितना रिस्क यहाँ पर है इन गाड़ियों को लेकर रहता है? क्या इससे पहले कोई वार्तालाप नहीं हुई थी यहाँ? जो आप बात कह रहे हैं कि ये खाली हमारी स्टेट का हब नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, ट्रांसपोर्ट नगर में माल लोडिंग करती हैं, अनलोडिंग करती हैं। फ्रूट मंडी की जो गाड़ी या फ्रूट खाली करती है यहाँ ही आती है। ये जो आइडियल पार्किंग है, ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है, उसकी तरफ ना तो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान है, JDA का या म्यूनसिपलिटी का, ना ही पुलिस का। अगर ये आइडियल पार्किंग ख़त्म होगी तो जो है थोड़ा यहाँ आपको सुकून मिलेगा। मेन रोड बंद है, रोड पर पार्किंग है, डिवाइडर बंद है, डिवाइडर पर ढाबे चल रहे हैं, ड्राइवर पर आइडियल पार्किंग है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, JDA से, म्यूनसिपलिटी से और पुलिस से अपील है कि ये जो आइडियल पार्किंग है या जो रोड पर डिवाइडर पर ढाबे हैं, इनको बंद किया जाए। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, क्या लगता है जितना यहाँ पर हब रहता है, क्योंकि आपने कहा सिर्फ स्टेट हब नहीं है, नेशनल हब है यहाँ पर, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, क्या लगता है कितना आसान हो जाता है ऐसे इलाकों को निशाना बनाना? या तो आदमी चल के भी कुछ करके ऐसी हरकत करके निकल सकता है, क्योंकि गाड़ियां तो निकल नहीं सकती। कोई आदमी कैसे टाइम भी किस वक्त भी आएगा, 11 बजे यहाँ काम शुरू होता है, आज ये हादसा हो गया, नहीं तो उसके बाद तो यहाँ से निकलना मुश्किल होता है। एक तो सड़कें ख़राब है, दूसरा आइडियल पार्किंग और जैमिंग, उसकी तरफ कोई ट्रैफिक पुलिस का या पुलिस का किसी का ध्यान नहीं है। आगे ऐसा हादसा, ऐसा वाकया पेश ना है, इसके लिए क्या आप एज ए प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पर, तो क्या इनिशिएटिव आपकी तरफ से रहेंगे कि पुलिस के साथ मिलकर वार्तालाप की जाए और सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए सुरक्षा को? सर, यह अभी आपको कह दें कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन या किसी को मिलना हो, कोई एक्ट नहीं करता है, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जो ब्यूरोक्रेट लोग हैं या पुलिस के ऑफिसर हैं, वो अपनी तरफ से चौबर्जी कह दें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस साल क्या हालत हुई है हमारी फ्रूट की, हाईवे पे क्या हालत हुई, वो किसकी गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की? गाड़ियां 8-8 दिन हाईवे पे खड़ी रहीं, उस वक्त भी नहीं देखा गया। यहाँ बताया गया 21% प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, लेकिन मार्केट में नहीं पहुँची। आगे यहाँ कुछ भी होने से बचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, JDA और म्यूनसिपैलिटी को यहाँ ये क्लीन ड्राइव शुरू करनी चाहिए, ये आइडियल पार्किंग ख़त्म करनी चाहिए, ये डिवाइडर बाय ढाबे और ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। ये थे गजन सिंह खजूरिया, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, और काफ़ी सवालिया चिन्ह जो है वो प्रशासन पर इनकी तरफ से यहाँ पर मार किए गए हैं कि यहाँ पर आइडल पार्किंग की भी डिमांड इनकी तरफ से की गई है। साथ ही साथ जो वाकया, जो हादसा यहाँ पेश आया है, उसको वो आगे के लिए जो किस प्रकार रोका जाए, उस पर भी इन्होंने जो अपने विचार रखे और एक अपील गुहार जो है प्रशासन से लगाई है कि यहाँ पर एक मीटिंग जो है वो ज़रूर इनको सब लोगों को इन्वॉल्व करके यहाँ पर की जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ की सुरक्षा को जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। बाकी भी अन्य अपडेट्स को डिटेल बात करने के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। उत्तम सवाल के साथ रोशन बटे को टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।